हाँ भाई, क्या हाल है भैया? क्रिकेट का वर्ल्ड कप जैसे आपको पता है जोरों शोर से जारी है और फैंडम चल रही है, मीम्स चल रहे हैं, लेकिन सब कुछ सही चल रहा था। मीम्स भी चल रहे थे, वीडियोस भी आ रही थी, फैंस के रिएक्शन भी आ रहे थे, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद एकदम जज्बात बदल गए, ऐसा साथ बदल गए, माहौल बदल गया। आप समझ गए होंगे आज हमारे गेस्ट कौन है, हमारे साथ मौजूद हैं मोमिन साकिब एंड बिलाल बिन साकिब, ऑल द वे फ्रॉम लंदन। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। हाल बड़े बेहतर हो गए हैं कल के मैच के बाद। हाँ, उससे पिछला मैच भी जो हम जीते साउथ अफ्रीका से, कल न्यूजीलैंड से जीते हैं, तो जो जज्बात नीचे गए थे ना, वो वापस अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर की तरफ आ रहे हैं और उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि ये वर्ल्ड कप इंशाल्लाह हमारा ही है। हो सकता है चांसेस लग रहे हैं, क्या कहते हो? बिल्कुल सर, ये तो पार्ट ऑफ अ बिगर प्लान था। सही। ये बहुत बड़ी फिल्म की गई है, ये ड्रामा था, ये सस्पेंस था, ये एक्शन था, ये जज्बातों के साथ खेलने का एक तरीका था, क्योंकि ये खाली क्रिकेट नहीं, ये बहुत बड़ी फिल्म चल रही है। कब तो अपना है सर ऐसे ही यार, वो क्या वो 90, अच्छा मैं इन चीज़ों पे नहीं बिलीव करता जी, 92 में ये हुआ था, ये होता। मैं कहता हूँ यार, आज की बात करो, आज की मेहनत पे, ये जो है ना मौजजात पे, और पढ़े लिखे लोग इस तरह की बात करें, लेकिन यार कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया है अब तो? ICC ने भी बल्कि लगा दिया था कल के, भाई ये हुआ था। आई एग्री विद यू, आई थिंक ये सिर्फ ये अब सुपरस्टिशियस इसको कहें कह सकते हैं 92 के साथ कंपेयर करना। मैंने कहा लोगों ने तो कल से कहना 92 में भी बंदे ही खेलते थे, अभी भी बंदे ही खेल रहे हैं। आई थिंक इनकी परफॉर्मेंस पे हमें देखना चाहिए, इनकी बॉडी लैंग्वेज में चेंज फील हो रहा है, इनके कॉन्फिडेंस में चेंज फील हो रहा है, और वाजिया चेंज फील हो रहा है आपको, सरफराज के एटीट्यूड में चेंज फील हो रहा है। कल जिस तरह इन्होंने परफॉर्म किया है, तो करंट इनकी परफॉर्मेंस पे देखें, जिस तरह हमने बात की, अगर अपनी फिटनेस पे ख्याल अपना रखें, तो आई थिंक इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो वी आर ऑन ट्रैक टू यू नो फेस इंडिया अगेन इन द सेमीफाइनल्स, अगर हम पॉइंट स्कोर्स पे मैच करते हैं। अच्छा सर, हमारी आवाम आपको पता है लव करती है सुपरस्टिशन, एब्सोल्युटली लव, देन इट्स अनदर थिंग टू टॉक अबाउट। कंपैरिजन करने में तो हम सब, आपको पता है, वर्ल्ड चैंपियन है, बेशक वो बंदियां दा होवे आपस में या वर्ल्ड कप पुराने दा नवे ना लोग। सुपरस्टिशन का तो ये हाल है, कराची आप लोग आए हुए हो, एयरपोर्ट से निकलते ही, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, एयरपोर्ट पे उतरो, जैसे ही बाहर निकलो सामने लिखा हुआ है फलाने बाबा फलाने पीर, महबूब तो आपके कदमों में। बिल्कुल, ये महबूब है कौन जो कदमों में ही रहते, थोड़ा ऊपर भी है कभी कदमों में ही रहना। खैर मोमिन, कैसा लग रहा है? लाइक everyone is talking about you, I mean I know you for a while, main to kafi arse se follow kar bhi raha tha, and I've seen a lot of your videos, you're actually very funny, magar ye jo ekdam boom aaya hai, matlab like everyone is talking about you, how does it feel? Honestly speaking Junaid bhai, ye question kafi logon ne mujhse pucha, jis tarah aapne bola viral, pehle bhi ek video hui thi champions trophy ke baad jab hum jeete the, जीत के अपने जज्बात का इजहार किया था, एक्सप्रेसिव आदमी हूँ, जीतते हैं खुशी होती है तब भी बहुत एक्सप्रेस करते हैं, हारते हैं तब भी बहुत एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है, बहुत से लोग आपके बारे में जिक्र कर रहे हैं, ये आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव लाता है, तो कुछ बदलाव नहीं लाता, ज़िंदगी आपकी वही होती है, एंड में आपने वही रोटी खानी है जो कल खाई थी उसी जगह पर ही होना है। सो इट्स जस्ट दैट मोर पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू, और लोग अपनी कैपेसिटी में अपने घर आपके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ बहुत से लोगों से प्यार मिलता है तो इट फील्स गुड व्हेन पीपल लव यू, बट एट द सेम टाइम इसकी एक कॉस्ट भी होती है, तो रिएक्शन दोनों साइडों से मिलता है, लेकिन क्रिटिसिज्म को फेस करना एक बड़ा स्किल है, तो जिसने उस स्किल को सीख लिया या उस क्रिटिसिज्म को फेस करना सीख लिया, वो इंसान फिर दुनिया में कामयाब है। पीपल नो दिस साइड ऑफ यू, मगर हु इज मोमिन साकिब, हु इज बिलाल बिन साकिब, व्हाट डू यू गाइस डू इन इंग्लैंड, पढ़ रहे हो, स्टूडेंट्स हो, क्या कर रहे हो? तो मैं लाहौर में स्कूलिंग की, ए लेवल्स किया, उसके बाद आई वेंट टू लंदन फॉर माय यूनिवर्सिटी, मैंने कंप्यूटर साइंस में डिग्री स्टार्ट की, वहाँ पे मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बहुत इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि हमेशा से ख्वाहिश थी कि लोगों के लिए कुछ किया जाए, यहाँ पे भी मैं इन्वॉल्व था NGOs में जब ए लेवल्स में था, तो वहाँ पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया, लेते लेते अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, तो मैं पहला नॉन यूरोपियन इलेक्ट हुआ प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन, द फर्स्ट नॉन यूरोपियन स्टूडेंट टू बी इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट इन 144 years. Wow. That was a फुल टाइम जॉब. फिर किंग्स को मैंने इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया, एक बड़ा ही सीखने का मेरे लिए, इट वॉज अ लर्निंग कर्व, आई वॉज वर्किंग विद द प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ द क्वीन, यू नो विद पीपल लाइक द एक्स एम्बेसडर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम टू द UN, तो बड़ा कुछ सीखने को मिला, सोशल इशूज़ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई, साथ ही साथ मैंने फिर अपने इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर डेली स्टोरीज बनाना शुरू कर दी, जिसमें मैं एक स्टूडेंट की लाइफ दिखाता था इन लंडन, और कोशिश करता था कि अगर मेरे पास सोशल मीडिया पर लोग हैं तो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है लोगों को या तो इंस्पायर करना या उनको
उनकी सोच को पॉजिटिवली इफेक्ट करना. सही. ठीक है, जिस तरह मैं कहता हूँ हमारे लोगों को पाकिस्तान इंडिया हम लोगों में टॉलरेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि वी कैन हैव दोज इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग डिस्कशंस. हम डिफरिंग व्यूज़ पे डिबेट्स कर सकते हैं बनिस्बत के जी अगर मैंने ये कहा है ये ब्लैक है और आपने कहा ब्लू है तो जी इसको गोली मार दो. तो टॉलरेंस की बहुत ज़रूरत है. बस यही एक सफ़र था और मैं बिलीव करता हूँ कि हंसी मजाक ज़िंदगी में चलता रहना चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए. अगर आप इन सब काम कर रहे हो तो हंसी मजाक भी करो. और ये जो एक कॉमिक एक जो मेरी कॉमिक टाइमिंग कह लें या एक कॉमिक कॉमेंट्री है ये आई थिंक ये इनबिल्ट है मेरे अंदर और ये 24 आवर्स चलती ही है. अच्छा, हमारे लोग समझते हैं कि अगर बंदा कॉमेडी करता है तो मरासी है, वेला है और कोई काम नहीं कर सकता. सर ये सोशल स्टिग्माज हैं, ये हमने अपने आप को खुद लिमिट किया हुआ है. बाहर के मुल्कों में तो इसको अप्रिशिएट किया जाता है कि ये आपके सॉफ्ट स्किल्स हैं या ये आपकी डाइवर्सिटी है, ये आप में एडिड वैल्यू है जो आप ऑफर करते हैं. मतलब तो, मैंने ये तक सुना है लाइक फ्रॉम एचआर प्रोफेशनल्स जो बाहर हैं कि अगर हम सेल्स का बंदा हायर कर रहे हैं और अगर वो बंदा नेचुरली फनी है, उसका डिमीनर फ्रेंडली है तो ये तो अच्छी बात है सेल्स के लिए. अगर आप रूड हो गए, अकड़ू हो गए तो आप तो सेल्स ही नहीं क्लोज कर सकते. बिल्कुल. तो सर, वो कहते हैं ना पीपल बाय पीपल, दे डोंट बाय प्रोडक्ट्स. बिल्कुल. तो ये इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं. मैं गया था अपनी बैचलर्स यहीं से, मैं भी लाहौर में पला भरा, उसके बाद अपनी बैचलर्स करने गया. वहाँ पे मैंने भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स शुरू की. मैं फिर डिसक्वालीफाई मुझे कर दिया क्वीन मैरी ने. मैंने इलेक्शंस लड़े. अच्छा. और वो उनके प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स थे. जिस दिन इलेक्शन नाइट थी उस दिन उन्होंने मुझे डिसक्वालीफाई कर दिया और फिर मैं उनके खिलाफ केस किया. वो 1.5 साल केस लड़ा. तो मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ जिसको किसी यूनिवर्सिटी ने कॉम्पनसेशन दी, रिटर्न अपॉलोजी दी. वाह. और उसके बाद अब मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मास्टर्स कर रहा हूँ. अगेन स्टूडेंट पॉलिटिक्स, आई रिप्रेजेंट 70% ऑफ द स्टूडेंट पॉपुलेशन एट द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स. आई एम ऑल्सो ट्रस्टी एट दी एस यू. तो ये हम पार्ट टाइम करते रहते हैं शुगल मेला. अच्छी पॉलिटिक्स का शौक, मतलब डज इट रन इन योर फैमिली, मतलब क्या है? सर हमारी फैमिली 200 किलोमीटर तक कोई पॉलिटिक्स भी नहीं है. हमारी फैमिली में 300-400 किलोमीटर तक इर्द गिर्द कोई नहीं, नहीं थे. हमारे जो पर दादा थे ना वो किसी बादशाह के लगता है थे. लेकिन कोई हमारी फैमिली में पॉलिटिक्स नहीं है. आई सी पॉलिटिक्स एज अ मीडियम टू इम्पैक्ट द लाइव्स ऑफ पीपल अराउंड यू. देखें पॉलिटिक्स अक्सर देखा जाता है हमारे मुल्क में, पॉलिटिक्स को एक एज एक गलत चीज़ के तौर पे देखा जाता है. पॉलिटिक्स एक गलत इंस्टीट्यूशन नहीं है, अक्सर कुछ पॉलिटिशियंस उसका नाम खराब कर देते हैं. ठीक है, तो पॉलिटिक्स को अगर पॉजिटिवली यूज़ किया जाए तो बड़ा आप एक सोशल एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो. तो जो रीज़न मेरा था, मैं अपने स्टूडेंट्स की जिंदगियां बेहतर करना चाहता था. इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए मैंने काम किया. आपको मज़े की बात बताता हूँ, किंग्स कॉलेज लंदन में मैंने मुस्लिम शावर लगवा दिया. वाह, इजी करा देता है. तो ये बड़ी एक छोटी सी चीज है. उसके अलावा बहुत सी चीजों पे हम आवाज उठाते रहे लेकिन वो तो खैर बड़ी लंबी डिस्कशन हो जाएगी. लेकिन जो एक इन नटशेल पॉलिटिक्स का शौक वो यही था कि लोगों की जिंदगियों को किसी तरह अफेक्ट करना. और उसी वजह से बिलाल भाई और हमने एक एनजीओ भी स्टार्ट की पाकिस्तान में. क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं बाहर चले गए, वो कमेंट्स करते हैं नीचे, आप तो बाहर हो, बाहर बैठ के बातें कर सकते हो. तो हम मेक श्योर कर रहे थे कि हम बाहर बैठ के भी अपने मुल्क की उतनी ही मदद कर सकें जितनी हम करते अगर हम यहाँ पर होते. बिल्कुल. तो वो मैं कह रहा था, जिस तरह जब मैं बाहर रहता था तो मैं ज़ाहिर वीडियो बनाता था. अब लोग कहते थे यार आप तो बाहर चले गए, आप क्यों पाकिस्तान के लिए बात करो. भाई मेरे पूरा खानदान इधर है, मेरे नेफ्यू नीसेज इधर है, उन्होंने इस माहौल में बड़ा होना है. अगर मैं अपना कंट्रीब्यूशन करके उस माहौल को बेहतर नहीं करूँगा तो कल को वो सफ़र करेंगे. सेकंडली मुल्क है मेरा यार, हमने सिर्फ मुल्क छोड़ा है, दुनिया दिल से तो नहीं निकाल दिया ना. पासपोर्ट हमारा वही है, नाइकॉप हमारा वही है. अच्छा, तो ये बोलते थे कि जी अगर आपको पाकिस्तान का दर्द है वापस आओ. अब वापस आके बोलता हूँ तो कहते हैं अगर आपको पाकिस्तान से तकलीफ है वापस. मतलब यार डिसाइड कर लो यार एक बार. नहीं सर, उसके अलावा देखिए जो बंदा बाहर जाता है वो इन द सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज जाता है. ठीक है, और अगर वो जाता भी है तो फॉरेन रेमिटेंस भेज रहा है जो कि वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ आपकी इकोनॉमी है. बिल्कुल. तो मेरे हिसाब से इसमें कोई बुरी बात नहीं है. और आप अगर वापस आए हैं तो वो शो करवाता है कि जी आपको अपने मुल्क से मोहब्बत है और आप इधर लोगों के लिए बेहतरी चाहते हैं. अच्छा, ये वही लोग होते हैं जिनको खुद को जाने को नहीं मिलता ना तो वो दूसरे से. सर देखो ना, अमेरिका वीज़ा खोले तो मैं देखना केड़ा नहीं जानता. हाँ सारे लाइनें लग जाएंगी. बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा ही. अच्छा, लाइक नाउ दैट यू हैव एक्सपीरियंस्ड बाहर की लाइफ, वहाँ के स्टूडेंट्स में और यहाँ के स्टूडेंट्स में क्या फ़र्क नज़र आता है आप लोगों को? देखिए अगर आप बात करें, लेट्स से मैंने कंप्यूटर साइंस विद बिजनेस मैनेजमेंट की है. कंप्यूटर साइंस की डिग्री आप फास्ट से कर लो या ऑनेस्टली आप यूके की किसी टॉप यूनिवर्सिटी से कर लो, जो करिकुलम है ना उसमें कोई फर्क नहीं होगा क्योंकि सेल्फ लर्निंग ही होती है एट द एंड ऑफ द डे मोस्टली. फर्क बाहर की यूनिवर्सिटी में आपका क्या होता है, एक वो
global experience, meeting people from all over the world, coming across different cultures, developing the global problem solving mindset and that cultural competency. ठीक है, अब दो चीज़ें हैं इसमें. बहुत से स्टूडेंट होते हैं बाहर जाके भी अपना वक्त ज़ाया कर देते हैं, वो एक्सपीरियंस ही नहीं करते. ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो बाहर जाते हैं उसी कमरे में साल रह के वापस आ जाते थे, बाप कहते हैं बच्चा बाहर से पढ़ गया, एक्सपीरियंस बच्चे ने कुछ भी नहीं किया. तो मैं हमेशा अपने पाकिस्तानी स्टूडेंट से कहता हूँ, अगर आप बाहर जा रहे हो यू हैव टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. हैविंग सेड दैट, लम्स के हमारी यहाँ के भी यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो इतने होनहार हैं कि यहाँ से अंडरग्रेड करके भी मास्टर्स के लिए वो वहाँ जाते हैं तो वो टॉप कर रहे होते हैं. ठीक है, तो एकेडमिकली कोई इशू नहीं है. मुझे सिर्फ लगता है कि थोड़ा सा हमारी यूनिवर्सिटीज़ को ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड होना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि बाहर की यूनिवर्सिटीज़ आर नॉट जस्ट इंस्टीट्यूशंस जो एकेडमिक नॉलेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वहाँ पर रिसर्च हो रही है, वहाँ पर क्वेश्चनिंग प्रमोट की जाती है. अक्सर यहाँ यूनिवर्सिटीज़ का तो नहीं मुझे पता, स्कूलों में अक्सर होता है कि जी टीचर से सवाल पूछ लिया, टीचर आगे से कहता कौन था. ठीक है, तो ये तो बड़ा टीचिंग का एक इंटेग्रल पार्ट है कि बच्चे को कहा जाए कि वो क्वेश्चन करे. तो इट्स नॉट जस्ट द स्टेल डिलीवरी ऑफ नॉलेज फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर. तो ये थोड़ा सा ना फंडामेंटल आई थिंक पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में, और इंशाल्लाह 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 मेरा इरादा भी यही है. क्योंकि वहाँ पे मैं काफ़ी एजुकेशनल मैंने एकेडमिक्स के साथ काम किया है, स्टूडेंट एक्सपीरियंस में काम किया, अभी आगे भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं एक बड़े वेल रिस्पेक्टेड एकेडमिक्स के साथ काम करूँगा. तो मेरा इरादा है कि आकर पाकिस्तान की जो एजुकेशन है ना इस पर काम किया जाए, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो लोगों को नज़र नहीं आते ना उसके क्विक इम्पैक्ट्स, तो लोग इसमें ज्यादा पैसा इंटरेस्ट नहीं लेते बिल्कुल ऐसा, वो कहते हैं रोडे बनाओ. और एक और मैं पॉइंट जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने पूछा कि स्टूडेंट्स में क्या फर्क है. मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा पाकिस्तान एक चीज का डिसएडवांटेज पे है. आप किसी भी यूरोपियन मुल्क या अमेरिका चले जाएं, 16 साल के बाद बच्चा पार्ट टाइम काम शुरू कर देता है. इतना बड़ा हमारे पास एचआर का रिसोर्स है जो कि सिर्फ अपनी कंफर्ट जोन में है. बिल्कुल, मेरे हिसाब से यहाँ पे हुकूमत को पॉलिसी ले आनी चाहिए कि जैसे बच्चा 18 साल का हो ना, देखिए जी हम भी वहाँ पे गए, मैंने भी फुल टाइम स्टडी के साथ जॉब्स की हैं. मेरे हिसाब से 18 साल के बाद बच्चे को पार्ट टाइम जॉब कंपलसरी कर देनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है. आप देखिए हमारा कितना स्किल सेट, हम कितनी पैसा ऐड कर सकते हैं, उनके पहले से नर्चर कर सकते हैं. क्योंकि एक जो मुझे लगता है ना, प्रिविलेजेस मेक यू सॉफ्ट. और ये यहाँ पे जो हम रहते हैं ना तो एक सर्कल के अंदर रहते हैं. तो ये जो है ना, अगर ऐसी कोई पॉलिसी आ जाए कि स्टूडेंट्स 18 साल के बाद पार्ट टाइम बेशक इंटर्नशिप्स हो, अप्रेंटिसशिप्स हो, उनको कंपलसरी करें, आप देखें हम किस तरह प्रोग्रेस करेंगे. मैं पिछले एक हफ्ते, बल्कि मैं तो सालों से ये रो रहा हूँ, बल्कि पिछले हफ्ते भी मैंने यही स्टोरी बनाई थी कि भाई जहाँ बच्चा 18 का हो कान पकड़ के लेके जाओ, उबर करीम चलवाओ, मगर सर वेटर की जॉब हो. हाँ, देखिए ईगो जो है ना, ईगो ईगो की वजह से हम प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे. ऐसा ही ये जो हमारा एक सेल्फ इमेज हमने बनाया हुआ है ना, जिसको वी आर टू बिजी प्रोटेक्टिंग बाय पुटिंग फेक स्टफ ऑन सोशल मीडिया, लिविंग अ फेक लाइफ, क्योंकि हम ये अपना इमेज चौधरी समझ रहे. दिस इज ऑल बुलशिट. आई एम सॉरी. एग्जैक्टली, ठीक है ना, यू शुड हैव नो सेल्फ इमेज. और ये तो आपके ग्राइंड का टाइम है, हसल का टाइम है. पूरा यूरोप पूरा अमेरिका हसल की बात करते थे, असी ए जीन्स पा के थे. मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ, ये हमारी यूथ को रिग्रेशन की तरफ लेके जा रहा है. ऐसे इंडिया में भी आप देखें, इंडिया की यूथ जो है काम करती है, कॉल सेंटर्स क्या क्या क्या. तो हमारा ये इतना बड़ा स्किल सेट है जो सिर्फ 3 दिन यूनिवर्सिटी, 4 दिन, 5 दिन, भाई हम भी जाते, पूरी दुनिया जाती है, लेकिन उसके बाद वीकेंड्स पे काम करते हैं. सस्ती आशिकी ने भी मुल्क के साथ 18 साल की उम्र में मुझे मेरा हिस्सा दो, मैं अलग हो रहा हूँ मैं उसके साथ. मुझे तो अटैचमेंट जो है ना वो अक्सर आपको कंट्रोल करती है. जब अटैच आप हो जाओ, आप कंट्रोल होना शुरू हो जाते हो, तब आप यहाँ पे 19 साल की उम्र में मुझे मोहब्बत हो गई. ये मेरी है और मेरे इससे बढ़ के मेरी स्टार्ट रहे हैं, आग लगा दो मुझे. अगर ये मेरी नहीं हो सकती तो कुछ नहीं हो सकता. एक मसला फिर है ना सर, क्या करें, उधर से भी तो फिर मैसेज आते ना, थाली जानू. ये बॉलीवुड ने बड़ा दिमाग खराब किया. हर बॉलीवुड मूवी देख के बच्चे को लगता है ये मैं ही हूँ, मैं जाऊंगा इसकी डोली उठाऊंगा और पता नहीं एकदम सेटल हो जाऊंगा. मजाक हो रहा है भाई. बॉलीवुड की हर फिल्म शादी पे खत्म होती है, शादी के बाद नहीं होती. तो उसके जो मसले वो नहीं दिखाते उसमें. आप वो शाहरुख खान की फिल्म थी ना चलते चलते, उसमें जो प्रॉब्लम्स दिखाई है शादी के बाद की, बहुत ये होनी चाहिए. यहाँ पे जी शादी से भगा दिया, चलो जी ये मेरी हो गई, वहीं पे फिल्म खत्म. ये समझते फिल्म जिंदगी भी ऐसी है. वो असल मसला ही बाद में, जब 8,000 का हगेगा ना बच्चा हर हफ्ते,
8,000 का मिलता है। और एक और मैं यहाँ पे बताऊँ, आई थिंक यहाँ पे नौजवानों में प्रॉब्लम क्या होता है, ये रहे नहीं होते साथ में, तो इनको बस होता है हम एकदम साथ में रह ले, इनको पता नहीं कि इंसानी फितरत है बोर हो जाते हैं। नहीं मतलब बोर नहीं भी होता, लेकिन इन अ नटशेल इस वक्त यार नॉवेल्टी वेयर ऑफ हो जाती है सर। बेशक फरारी हो, बेशक आपका कोई नया आईफोन हो, या एक नेचुरल चीज है ना, जो चीज आप रोज देखोगे, आप रोज कितना मर्जी। लेकिन खैर आई थिंक नौजवानों को फोकस करना चाहिए इस वक्त अपनी करियर के ऊपर, अपने इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगी बेहतर करने के लिए, एंड वी शुड थिंक अबाउट दोज हु नॉट एज ब्लेस्ड एज वी आर एंड नॉट एज प्रिविलेज्ड। और इन चीजों में ये इस उम्र में समझ नहीं आती है बंदे को ना, थोड़ा बाद में जाके समझ आती है कि मैंने टाइम क्या। मेरा पैगाम है सारी यूथ को, प्यार मोहब्बत धोखा पढ़ ले बेटा यही मौका। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी इसी पे बिलीव करता हूँ भाई, कि ये चीजें ना डिस्ट्रैक्शन है, ये आपको आपके ट्रैक से हटाती है। मैं कहता हूँ भाई लग के फोकस रख के कर लो 30 तक अपना, यही थोड़ा सा टाइम होता है। बच्चे मजाक उड़ाते हैं कि यार ऐसी बोलते हैं, 30 तक हो जाओ, जब लाइफ में सेट हो जाओगे ना, सब जो तुम्हें मैसेज सीन करके छोड़ देती है ना, बाद में खुद मैसेज करेंगी हाँ भाई क्या सीन है। ठीक है थोड़ा सा सबर कर लो, लेकिन इनको सबर नहीं, इनको सब कुछ आज ही चाहिए, क्योंकि ये जो है ना सोशल मीडिया वाली जनरेशन है ना, ये तस्वीर डाली ये लाइक, इनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की ये आदत चीज़, है, इनको हर चीज अभी चाहिए, आज ही प्रमोशन चाहिए, आज ही करोड़पति बनना है, सबर नहीं है, सबर खत्म हो गया। बड़ी खूबसूरत आपने बात की है। अच्छा ये खाली इसमें नहीं है, इसकी वजह से हम एज अ सोसाइटी ना अनग्रेटफुल भी बनते जा रहे हैं। असी समझने अल्लाह मियां नूं दुआ करना ना, एंज कुछ एंज स्टेटस अपलोड किया थे एंड दुआ कबूल हो जाएगी। ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हमारा पूरा माइंडसेट चेंज कर रही है, कि इंस्टेंट पेशेंस भी खत्म कर रही है, जिसकी वजह से हम ना शुक्रे बनते जा रहे हैं कि नहीं। मैगी भी 2 मिनट लेता है बनने में, ठीक है ना, इनको तो वो 2 मिनट भी नहीं सबर इनको अभी। अच्छा और एक और मसला है, वी फील वी आर एंटाइटल्ड टू एवरीथिंग। बिल्कुल देखिए ना, हमने ये आंखों के लिए ये सांस जो हम ले रहे हैं, हम सब उस पे हैं, वेंटिलेटर पे हैं, लेकिन आप तो नहीं कंट्रोल करते अपनी अगली सांस, मैं भी नहीं करता, और तो फिर हम एंटाइटल्ड क्यों फील करते हैं? तो आप समझ रहे, हमारी माइंडसेट पूरा पॉजिटिविटी ही चेंज होने वाली है। अभी हम कहते हैं साढ़े को उसने आईफोन ले लिया, इसने नई शॉल ले ली, और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे नौजवानों में। इसके लिए एक नाम होता है, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा, कि हमारे लोगों को लगता है कि मेरा एक यूनिक सर्कमस्टांसिस है मेरी ज़िंदगी के, जिसकी वजह से मैं तरक्की नहीं कर पा रहा। हर बंदे को हमारे लगता है कि एक यूनिक मेरी ज़िंदगी है, मेरे सर्कमस्टांसिस हैं। हालांकि इस दुनिया में ऐसी भी वो औरत थी जो डेफ थी, ब्लाइंड थी, और उसने डिग्री ले ली थी। स्टीवन हॉकिंग्स ने किताब लिख दी थी, लेकिन हमें पता नहीं इसका एक सिंड्रोम है, मैं बता दूं, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी समथिंग लाइक दैट। और इसलिए कहते हैं कि ना उम्मीदी अल्लाह ताला को एक वाहिद चीज़ है जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल, और हमारे लोग बस वो कहते हैं तुझे नहीं पता मेरी जिंदगी में जो मसला है। हमारे लोग, उन लोग अक्सर ये भी समझते हैं, क्योंकि अलॉट ऑफ स्टूडेंट्स राइट टू मी, वो समझते हैं कि सारा पूरी दुनिया उन्हीं के साथ साजिश कर रही है और वो उनकी तरक्की को रोक रहा है। और सबसे बड़ा मसला पता क्या है, सेल्फ विक्टिम स्टूडेंट्स का क्या मसला है, दिस इज स्टिल अ ब्लडी स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट। एग्जाम इज एकेडमिक लाइफ इज अ स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट, जो असल लाइफ है ना वो अनस्ट्रक्चर्ड है। वो वेव्स जो है आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपनी कश्ती को चेंज कर सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से अगेन माइंडसेट की बात है, कि ऐसी तो फिर भी ठीक है ना, तुम्हें पता है सिलेबस ही आना काम बात है सर, आओ फिर। लेकिन सेल्फ विक्टिमाइजेशन जिस तरह आपने कहा, ये एक बड़ा अच्छा वे आउट है, इंसान बेहतर फील करता है अपने आप पे मुद्दा डाल के, एक वे आउट है कि ये रीजन है कि मेरी तो किस्मत ही सर। हाँ किस्मत ही नहीं, किस्मत भी आप गलत, इसमें एक ये भी है ना, बच्चों से काम ना कराने की वजह कि जी हम बच्चों की कमाइयां खाएंगे, हम या हम अपनी बेटी को जो है मैकडॉनल्ड पे खड़ा करेंगे, ये क्या एटीट्यूड है? मैकडॉनल्ड पे ना खड़ा करें बच्ची को, कुछ और ऑनलाइन डिजाइनिंग का कोर्स करवा दे, कोई कंटेंट राइटिंग का कोर्स करवा दे, कोई वेब डेवलपमेंट का पूरी। में भी कोई गलती नहीं है, नहीं गलती। लेकिन चलो कुछ कल्चर्ड माँ बाप होते हैं ना, कि चलो यार हम, हमारा बच्चा टैक्सी चलाए, नहीं चलो, और लड़की की जब बात आ गई कि हम चाहते नहीं कि वो जी खड़ी हो, हर बंदे की अपना सब्जेक्टिव है ना, अब हम जनरलाइज भी तो नहीं कर सकते। आई डोंट थिंक उसके खड़े होने में भी कोई, मैकडॉनल्ड्स में अगर एक लड़की जॉब कर रही है तो इस्लामिकली या किस तरह ये रॉन्ग है, अगर है तो प्लीज मुझे बताएं, शायद मुझे पता नहीं है, यू नो, लेकिन
जिस तरह आपने बोला वेटर की जॉब हो कोई भी जॉब हो ये इसमें कुछ गलत नहीं है, हर जॉब से आपकी लर्निंग होती है, हर चीज़ से आप कुछ ना कुछ सीखते हो और वो आपकी जो चीज़ें आप सीख रहे होते हो वो आपको लाइफ में एक्यूमुलेट कर रही होती हैं आपके स्किल सेट में, जिसकी वजह से आपने उस स्टेज पे जाना जहाँ पे आप जाना चाहते हो। दिस शुड बी प्रमोटेड, दिस शुड बी प्रमोटेड। और अगर आप उठा के देखें हज़रत खदीजा वाज़ अ बिजनेस वूमन हरसेल्फ, ठीक है ना, उनसे बड़ी एग्जाम्पल तो नहीं। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज़ टू वर्क फॉर हर। आजकल के ज़माने में देखें हम, हमारा कल्चर हमें किधर ले गया। हाँ। आपको लगता है को जी नहीं बुड्ढी लिए काम करता है। हाँ। बनता बुड्ढी लिए काम या अगर बीवी ज़्यादा कमा ले अजाब है, ईगोइस्टिक हो गया ना सर। लेकिन ये इतना बड़ा अल्लाह मियाँ के अजाब हम पे है कि ये ईगोइस्टिक, ईगो नहीं तो शैतान को शैतान बनाया था उन्हें, क्या मैं किस तरह सजदा कर दूँ। हमारे अंदर इतनी ईगो है किस बात आई की, तो सर मुझे ये बताएं आई कहाँ से, मोहन साहब की किधर से आई है ईगो। मैं बताऊँ इस दुनिया में कितने ज़्यादा ये यूनिवर्स हैं, पता नहीं यूनिवर्स के अंदर कितने प्लैनेट हैं, प्लैनेट के अंदर जाके एक अर्थ आता है, अर्थ के अंदर इतने ज़्यादा मुल्क हैं, उन मुल्कों के अंदर इतने ज़्यादा शहर हैं, उन शहरों के अंदर इतने ज़्यादा बंदे हैं, उन बंदों के अंदर जाके हम एक बंदा हमारे में है ईगो। हाँ सर ये किधर से शुरू हुई, कौन है, गोरे में इतनी ईगो नहीं है कंपैरेटिवली। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, वो गोरा अभी आप कहेंगे ना टॉयलेट साफ कर दो, ही विल हैव नो ईगो, ही विल उल्टा सूट पहन के आता है। खैर हमें जर्नलाइज भी नहीं करना चाहिए, गोरों में हो भी सकती है कंपैरेटिवली, कि हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं ना अगर इस वक्त। सर ये ईगो या तो सर कोई सुपर का एड आता है साथ में उसका रिलीजन भी लिखा होता है। सर ईगो मैं आपको बताऊं एक और रीजन, ये गाने शानों ने भी बड़ा गेम उठाया हुआ है। वो कैसे, ओहो तेरी गलियां सुन के, ये हर मूवी देखी सुपरस्टार की, ये सिनेमा से लड़के निकलते हैं ना तो उसी फील में होते हैं कि बंदे सारे मार दे रहे हैं आज अपने समय। हां तो पावर रेंजर्स देख के हम निकलते थे, हम भी कर रहे होते थे हमारे लोगों में। आप देख, तू देख खिंच रहे हैं मैनू, तेरी ओ भाई क्या हो क्या रहा है इधर, छोटी छोटी बातों पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, पेटी चीजों पे। जब इंसान इन पेटी चीजों से बढ़ता है ना, जब इंसान को फील होता है कि यार मेरी जिंदगी में बड़े एम है, ये छोटी पेटी चीजों से अगर मैं निकलूंगा तो मैं लाइफ में कुछ करूंगा। हमारे लोगों का प्रॉब्लम ही है, तो मैंने देखा कि उसने मुझसे ठीक से बात नहीं, उसने मुझसे सलाम नहीं ठीक से किया। सर मुझे लगता है ईगो जो है ना इसको आई थिंक कॉम्प्लेक्सिटी से आता है, कि यू आर प्रोटेक्टिंग किस भी किस्म का आपको कॉम्प्लेक्स है ना बाई ट्राइंग टू डिस्टेंस योर सेल्फ। तो मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द फैक्टर्स है जहाँ से आपको किसी किस्म की इन्फर्टी या किसी किस्म का कॉम्प्लेक्स होता है तो आप अपने आप को वो इस तरह सेल्फ मोड पे चले जाते हैं, आप कवर बंद कर लेते हैं कछुए की तरह अंदर। हाँ कछुए को पंजाबी में क्या कहते हैं, कछुआ इंग्लैंड में जो फैंस जो इतने मिले स्टेडियम के बाहर, तो अब लोग बोलते होंगे कि मोमिन भाई कुछ सुनाओ, पिज्जे बर्गर सुनाओ। सर बहुत से लोग बोलते हैं, अभी पिछले मैच में गया था तो मुझे आइडिया नहीं था कि इतने लोग, हर बंदा आके कोई कह रहे हैं पिछले पिक्चर्स खिंचवाओ। मैं कहा किस बात पे, आपकी वीडियो देखी, मैं कहा वीडियो देखी तो इसमें पिक्चर वाली, ऐसा वीडियो से क्या क्या आपके साथ मेरा हिसाब किताब डेवलप हो गया कि आपका दिल चाह रहा है मेरे से पिक्चर खिंचवाने को। मैंने किंग्स में एक मॉड्यूल पढ़ने की रिक्वेस्ट डाली थी जिसको कहते हैं स्टारडम, उसमें हम पढ़ते ही हैं कि 100-200-300 साल पहले इंसान सिर्फ रिलीजियस फिगर्स के लिए क्रेजी होते थे, जैसे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम जीसस। लेकिन अब लोग सेलिब्रिटीज के लिए इस तरह क्रेजी होते हैं, तो वो क्या साइकी होती है कि किसी को आपने सिर्फ कैमरे के पीछे देखा है, लेकिन जब वो इंसान आपके सामने रियल लाइफ में आ जाए तो यू गो क्रेजी। थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरा बॉलीवुड से भी ये, मैं अक्सर ऐसे लोगों को जानता हूँ जो विलन का रोल जिन्होंने अदा किया होता है उनके साथ पिक्चर नहीं खिंचवाते, घटिया आदमी है। और असल में खुदा की कसम ऐसे लोग हैं, सलमान भाई देखा कितने अच्छे आदमी, मुन्नी को पाकिस्तान छोड़ के आए थे वो भाई रोल कर रहा था। खैर कमिंग बैक, हालांकि उसी सलमान ने जो है मुन्नी को बदनाम भी किया, मुन्नी को बदनाम भी किया, बंदे पे गाड़ी भी चढ़ाई उसने, हिरन मारे उसने। एग्जैक्टली, तो लोग कभी कभी इतना, दिस इज अभी शो से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के थ्रू आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, किस तरह एक माफिया के तौर पर यूज हो सकता है। खैर कमिंग बैक टू द पॉइंट, बर्गर पिज्जों वाली चीज पे बहुत रिस्पॉन्स मिला। आई थिंक वो एक किस्म की एक ऐसी वीडियो थी जिसपे पूरा पाकिस्तान रिलेट कर पा रहा था, कनेक्ट कर पा रहा था, पूरे पाकिस्तान की इमोशन शायद मुझे लगता है वो मेरे थ्रू निकले। तो लोग कह रहे थे कि यार इस बंदे में पूरी रूह नजर आ रही, क्योंकि वो मैं बाकी मैं आपको सच बात बताऊं, मैं स्टेडियम से निकला हूं, कुछ लोग पूछते हैं कि ये प्लान्ड था क्या था, इस पर मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दे दूं क्योंकि मैं दे नहीं सका अभी तक। मैं स्टेडियम से निकला हूं,
वैसे मैं ऑनेस्टली इंडियंस भी 90% थे, हमारे लोग भी थोड़े कम थे, ये भी मेरे जहन में था कि क्यों नहीं पाकिस्तानी आते। मैं स्टेडियम से निकला हूँ तो मेरी वसीम भाई के साथ, वसीम अकरम के साथ एक लाइव मैंने वीडियो बनानी थी। अब मैं उनकी तरफ चल के जा रहा हूँ और मुझे पता है वसीम भाई मेरा वेट करें, तो बीच में मुझे एंकर ने रोका, न्यूज़ वाले ने, कि मोमिन भाई आप अपना रिएक्शन दे दो। मैं कहा यार अभी छोड़ो, वसीम भाई वेट कर रहे हैं, मुझे जाना है। मोमिन भाई यार दे दो, वहाँ पे इवेंट्स वगैरह करते हैं तो एक रिलेशन है सबके साथ। वो दो को दफा उन्होंने कहा, तो मैंने चिड़ में कहा, मैंने कहा यार चलो लो ले लो फिर मेरा रिएक्शन। तो एक वो फ्रेश फ्रेश जख्म, फ्रेश फ्रेश जज्बात, फ्रेश फ्रेश हिट लगी हुई थी। बस फिर जो मेरे दिल में आया तो फिर मैं क्या, वो गौरी आया फिर आया पिज़्ज़े बर्गर कल रात पिज़्ज़े खाते थे कल रात। बस फिर मैं कहा माइक से ना लोगों को कान में ना बजे अभी। हाँ। ये सबसे वी लव ऑल ऑफ यू, आप लोग ग्रेट हो, जुनैद भाई भी ग्रेट है। तो वो फिर वो पिज़्ज़े बर्गर के वो इमोशंस निकले हैं और वो इतना वायरल हुआ। हाँ। इतना वायरल नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट इन इंडिया, बिग बी साहब ने, सर बच्चन साहब ने, मायरा खान। हां हां आई सॉ दैट, वो तो क्रेजी हो गया सीन। बिग बी साहब ने देख के क्या बोला होगा, किस आवाज में? बहुत खूब, दिस वन्स फॉर यू राउंड 1 2 1 2। अच्छा सर, मेरे और भी पिछले मैचेस की आपकी वीडियोस देखी थी, तो इज इट पॉसिबल कि लाइक जो जर्नलिस्ट हैं वो मैच के बाद आपको ढूंढते होंगे? ये होता है ना, क्योंकि उनको पता है रेटिंग आनी है। अक्सर मुझे मैच से पहले कॉल आ जाती, कल तेरा अपडेट। वो इट्स अ फनी थिंग बट अल्टीमेटली आइट से कि मैं एक बहुत एक्सप्रेसिव किस्म का इंसान हूँ, खुशी में भी बहुत एक्सप्रेसिव हूँ, दुख में भी बहुत एक्सप्रेसिव हूँ। और ऐसे लोग जो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं पिछले 4 सालों से, वो रोज़ देख रहे हैं कि मैं 24/7 ही इतना एक्सप्रेसिव, हाइपर और एक्साइटेड होता हूँ विद लाइफ। तो जब इस तरह का एक मौका जो जिस पे मैं इतना इमोशनली चार्ज हो जाऊँ, तो मेरे इमोशंस तो फिर आसमान फाड़ के निकलते हैं, ऐसे ही जो हकीकत है तो वो फिर निकलते हैं, तो फिर आवाम कनेक्ट करती है। और सर लोग भी बड़े आजकल तेज हो गए, वो समझ जाते हैं कि कौन जेन्युइन है, कौन फेक कर रहा है और कौन जेन्युइन है। जेन्युइन जेन्युइन और जेन्युइन, हाँ जेन्युइन पार्ट्स मिलते हैं ना। सही से। अच्छा आप अभी एनजीओ का बता रहे थे अपने, उसके बारे में जरा बताएं ऑडियंस को। तो सर वो मैं ट्रैवल कर रहा था अफ्रीका, बुर्किना फासो है एक मुल्क, वागाडोगू उसका कैपिटल है, वन ऑफ द मोस्ट पुअरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो मैं वहाँ पे गया, मैंने देखा कि औरतें आ रही हैं और एक पहिए में पानी डाल के लेके आ रही हैं। मैं बड़ा इंट्रीग्ड हुआ। मैं एज अ डेवलपमेंट इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट काम कर रहा था, मैं वापस लंदन आया, मैंने गूगल शूगल किया, मैं देखा यार इंडिया में भी काम हो रहा है, गूगल किया मैं, पाकिस्तान में कोई सीन ही नहीं। मैं कहा फिर सीन शुरू करते हैं। फिर मोमिन को और दोस्तों को इकट्ठे किया, हमने प्रोडक्ट डिज़ाइन किया, प्रोडक्ट बनाया, 3 साल हो गए अब। तो ये हम एक व्हील है जिसमें 40 लीटर पानी आ जाता है, तो अभी जो मटके हैं उसमें 8 से 10 लीटर आता है पानी। तो वो औरतें जाती हैं थर के ऐसे ऐसे इलाके हैं जो 2-3 किलोमीटर। आप सोचें कि इस डे एंड एज में रोज़ सुबह फजर के टाइम जाती हैं 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर वापस आना सिर्फ पानी लेके। उसमें प्रेग्नेंट औरतें होती हैं, उसमें बच्चियां होती हैं, उसमें बूढ़ियां होती हैं। तो ये 3 से 4 घंटे उनके लग जाते हैं। उसके अलावा इसके अदर रिप्रकॉशंस हैं, जैसे क्रॉनिक बैक पेन्स डेवलप हो जाती हैं, इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट है, इसकी सोशल कॉस्ट है। तो हमने भी ये व्हील डेवलप किया, इसमें 40 लीटर पानी आ जाता है। इट्स एन ईजी ड्रैग ऑन। इसी तरह कि आपने अब फ्लाइट पे जाना है तो यहाँ मैं आपको कहूँ अपना सूट जो सूट किया सर पे रख लें या उसको ड्रैग ऑन करके ले जाए। तो इसका 3 साल से अब हम अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन को 40,000 लोगों की ज़िंदगी इम्पैक्ट कर चुके हैं। और हमने इकोनॉमिक इफेक्ट्स देखे हैं, इसके सोशल इफेक्ट्स देखे हैं। वहाँ पर औरतों को खुशहाली आ गई है, टाइम बच गया है, मेडिकली उनको कम हो रही है क्योंकि उनको रोज़ नहीं जाना पड़ता, वो एक ही दफ़ा में ले आती हैं पानी। तो 5 times more than a matka, of course, और 8 times more, हाँ 5 से 8 लीटर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हम बड़ी छोटी सी काविश है। वेयर अगेन आई थिंक कि द पर्पस ऑफ लाइफ इज नॉट हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज नॉट अ गोल यू कैन अचीव, इट्स अ टेम्पररी फीलिंग। आई थिंक द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू बी ऑफ यूज, क्योंकि वेन यू आर ऑफ यूज, वो वेदर आप, मैं आप दोस्त की मदद कर रहा हूँ या किसी की भी, देन अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट इज हैप्पीनेस। My friend's mother says this often, ke life is a sentence written in sadness punctuated with happiness. To happiness jo hai na wo chote se spurs hi hote hain, moments hi hote hain aapke. Agar aap roz happy hoge to wo bhi boriyat hai. Exactly. To main wahi keh raha hu ki hame Allah, matlab ye sab kuch theek hai, shugal mela har jagah, lekin at the end of the day jab aapke paas purpose ho na, tab aapko farak hi nahi padta duniya mein kaun kya kar raha hai, किसके इंस्टाग्राम की पिक्चर पे कितने लाइक आ रहे हैं, किसने रोलेक्स लिया, किसने आईफोन लिया, किसके पास कौन सी गाड़ी है, किसकी कितनी, क्योंकि आप इन चीज़ों से फिर फना हो जाते हो एक तरह का। आपको पता होता है कि यार चलो मेरा पर्पस है। वो कंटेंटमेंट जो है ना, वो पैसे
से खरीद सकते हो ओनली इफ यू स्पेंड इट टू अपलिफ्ट द मिजरीज ऑफ अदर्स. एब्सोल्युटली. मोमिन, व्हाट डू यू थिंक एज अ सोशल मीडिया स्टार, डू यू फील और डू यू फील के पीपल शुड हैव, वंस पीपल हैव a handsome number of followers, they have a, some sort of responsibility towards their followers? I think a very... جب آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں نا, جب اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عزت دے کہ آپ کے فالوورز ہیں, تو یہ ایک آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ سوسائٹی کے بارے میں سوچو. اور صرف اس طرح نہیں کہ جی میں پیسے دے کے لوگوں کی مدد کر دوں یا انیشیٹیوز, یہ بھی چیزیں ہیں, لیکن آپ اپنی زبان کی طاقت کے تھرو یا آپ اپنے اس پلیٹفارم کے تھرو لوگوں کی سوچ چینج کرنے کے لیے کو کام کرو. سوسائٹی میں جو ایک سوشل ایشوز ہم اپنے فیس کر رہے ہیں, پاورٹی, ہنگر, دا ڈسپیرٹی بٹوین دا رچ اینڈ دا پوئر, لوگ سو رہے ہیں سڑکوں پہ, ان چیزوں کے بارے میں آواز اٹھاؤ. میں سوشل میڈیا کو کیسے دیکھتا ہوں, میری ڈیلی انسٹاگرام اسٹوریز, آئی ڈونٹ نو, سم مے بی آئی ایم فنی ایٹ ٹائمز, لوگ کہتے ہیں مومن بھائی آپ بہت فنی ہوتے ہیں کبھی کبھی, ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, آئی ایم لیونگ مائی لائف, دس از ہو آئی ایم, آئی ایم ان مائی ٹرو ایلیمنٹ آل دا ٹائم, ٹھیک ہو گیا. کیونکہ میں کہتا ہوں آلویز بی یور سیلف, بیکاز دا پیپل دیٹ مائنڈ ڈونٹ میٹر بٹ دا پیپل دیٹ میٹر ڈونٹ مائنڈ. اب میں سوشل میڈیا کو ایسے دیکھتا ہوں کہ میں لوگوں کے ساتھ ہیومر کے طور پہ اگر کنیکٹ کر سکتا ہوں نا, تو لوگ میرے ساتھ کنیکٹ کر لیتے ہیں. جب لوگ میرے ساتھ کنیکٹ کر لیتے ہیں نا, اس کے بعد اگر میں 20 سنیپس لگائی ہیں, 18 میری فنی ہیں, اور 2 سنیپس پہ میں نے کام کی بات کر دی ہے جس میں نے کوئی سوشل ایشو پہ آواز اٹھا دیا, تو وہ لوگ نا اس کو سننے پر مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ 18 کی وجہ سے اتنا کنیکٹ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں, میرے جیسا نوجوان یا ایسے بہت سے نوجوان ہیں, کبھی یوٹیوب پہ جا کے وہ نہیں لکھیں گے کہ جی ہاؤ ڈز دا خانہ کعبہ لک لائک, یا قرآن ٹی وی لگا کے خانہ کعبہ نہیں دیکھیں گے. میں 3-4 سالوں سے سنیپس لگا رہا تھا لندن میں, لائف آف اے اسٹوڈنٹ, پارٹیز پہ بھی جاتا تھا, کلبس کی بھی سنیپس لگتی تھی سارا, تو لوگ ایک پورا لائف کے ساتھ کنیکٹڈ تھے. میں عمرے پہ گیا, میں نے پورا اپنا عمرہ ولاگ کیا اسنیپ چیٹ پہ نا, پورا انسٹاگرام پہ پورا عمرہ لگایا. تو ایسے بہت سے لوگ جو کبھی اس طرح دیکھ ہی نہیں سکے تھے خانہ کعبہ کو, کیونکہ ان کا میرے ساتھ ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہو گیا تھا, انہوں نے دیکھا, اور 3-4 نے مجھے میسج کیا کہ مومن بھائی اب ہم عمرے پہ جا رہے ہیں آپ کی سنیپس دیکھنے کی وجہ سے, کیونکہ کبھی ہمیں خود سے خواہش نہیں ہوئی کہ ہم یوٹیوب پہ جا کے خود سے دیکھیں, لیکن کیونکہ آپ روز لگا رہے تھے اور ایک عادت تھی آپ کی اسٹوریز دیکھنے کی, تو آپ پہ ایک رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اپنے سوشل میڈیا, اگر آپ انفلوئنسر ہو, آپ اس کو کس طرح اس کو یوز کرتے ہو, آپ اس کو دونوں طریقوں کی طرح یوز کر سکتے ہو, پازیٹیو وے میں یا نگیٹیو وے میں بھی یوز کر سکتے ہو. اگر آپ کو فالوورس بہت زیادہ چاہیے تو آپ کوئی بھی قسم کی ویڈیو لگاؤ گے, گالیاں دو گے, یہ کرو گے, وہ کرو گے, ٹو ایچ ہز اون, ٹھیک ہے, ایز لانگ ایز آپ کسی کو ہرٹ نہیں کر رہے, آئی ڈونٹ مائنڈ آپ لائف میں کیا کرتے ہو. ان دی اینڈ ڈو یو وانٹ ٹو گیو اینی میسج ٹو دی یوتھ, ٹو دی اسٹوڈنٹس, پاکستانی یوتھ ان جنرل؟ ایک اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کی بات جو اس کی فالوئنگ والی تھی, کہ اور یہ ایک اور بڑے سافٹ طریقے سے کچھ ایشوز پہ ہٹ کرتا ہے جو ہماری سوسائٹی میں ہیں, جیسے اپنے پتہ نہیں وہ اس کی دیکھی کہ گھڑیاں لینے آئے ہیں, یہ کیا ہے ہماری, تو پچھلے دنوں میں نے ویڈیو بنائی تھی ایئرپورٹ پہ, ویسے میں کھڑا تھا گھڑیوں کی دکان پہ, ویڈیو میں نے بنائی, میں نے کہا جی گھڑیاں لے رہے ہیں, وہ شادی کرنی ہے منڈے دے بھرا نو, منڈے دے پیو نو, سارے نو گھڑیاں پانی نے, سوٹ پانے نے, تو یہ جو 500 اسٹیک ہولڈرز انوالوڈ ہوتے ہیں ایک شادی میں, کہ یہ جو ٹرینڈ ہے اس کو اتنے سوٹ دو, اس کو اتنی گھڑیاں دو, خدا کا واسطہ اس کو بند کرو, انہوں کا ویاہ کرو, تو انہوں نے اپنی زندگی گزارن دو, تو اس طرح کے ایشوز پہ ایک لائٹ وے میں اٹھانا, ان پہ بات کرنا, آئی تھنک از ویری امپورٹنٹ. اور مجھے لگتا ہے ہر سوشل میڈیا انفلوئنسر کی یہ رسپانسبلٹی ہے, کیونکہ جس طرح ہماری سوسائٹی نارسسسٹک بنتی جا رہی ہے, جس دشا میں جا رہی ہے, جس ڈائریکشن میں جا رہی ہے, اگر اللہ میاں نے کچھ لوگوں کو اپرچونیٹی دی ہے تو وہ آئی تھنک دے شوڈ ٹرائی ٹو پٹ سم سینس انٹو پیپل. ایبسلیوٹلی, اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی واٹ آئی ٹرائی ٹو ڈو تھرو مائی ویڈیوز. ابھی آپ نے یہ دشا بولا نا, اب سارے کمنٹ آئیں گے دشا کیوں بولا. ایگزیکٹلی. تو سر اب یہ پکڑ لیں گے, یہ کتنا ٹائم ہو گیا ہمیں, 40-50 منٹ ہو گئے, اب یہ پکڑ لیں, ٹھیک ہے, آنے دیں سر, اب پکڑنے ہوتے ہیں لوگ. آئی فیل سوری فار دیز پیپل. دیکھو اس میں ہم نے اتنی کنسٹرکٹیو باتیں کی ہیں, کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کی ہے, اور ویل شیل سب بھول جائیں گے تمہارا, دشا کیوں بولا, اور تم نے انڈیا سے دوستی کی بات کی, چلو. لیکن میں تو کوئی بندہ برا نہیں ہوتا, لوگ صرف کم اچھے ہوتے ہیں, یہ جتنے لوگ ہیں میں ان سب سے پیار کرتا ہوں, کسی کو کوئی ریزرویشن ہے, کوئی پوائنٹ ہے, آؤ یار ڈسکس کرتے ہیں, بیٹھ کے ڈبیٹ کرتے ہیں, انٹلیکچولی سٹیمولیٹنگ کنورسیشنز کرتے ہیں, ایک دوسرے گپ شپ ماریں گے, پیار محبت کی بات کریں گے, پھر لو ہوگا. راؤنڈ اپ میسج دے دیتے ہیں, راؤنڈ اپ میسج دے دیں سر.
मेरे हिसाब से मेरा जो है मुझे लगता है कि मैं चाहता हूँ कि हमारा जो मुल्क है ना वो टॉलरेंट हो. आप एक दूसरे का एम्पथी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. जानवर और इंसान में यही फ़र्क है. हर बंदा पता नहीं कि रोज़ किन किन मसलों में है. तो आप दूसरे को फॉरगिव और टॉलरेंस करना सीखें. इतनी महंगाई है पता नहीं आप समझे ना, एक रास्ते में आपकी गाड़ी को स्क्रैच लग गया ठीक है वो भी फिर आ जाता है. कोई पता नहीं यार हर बंदा आजकल के दौर में मसलों में है. कोई डिप्रेशन में कोई क्या, तो फॉरगिवनेस करें वो मेरा है. और कोई पर्पस पकड़ें लाइफ का. पर्पस ये नहीं है कि मैं फेसबुक पे सारा दिन अपना ज़ाया कर दवा, इंस्टाग्राम पे मार्क जिंगर बर्गर नो होर अमीर कर दवा ठीक है. तो कोई पर्पस पकड़ें, कुछ प्रोडक्टिव करें अपनी ज़िंदगी के साथ. बिकॉज एवरी सिंगल डे वी आर डाइंग वेदर वी लाइक इट और नॉट. वी आर ऑन एन एस्केलेटर टू बैक टूवर्ड्स आवर क्रिएटर. एब्सोल्युटली. तो ये हम जितना चाहें इसको हम, दिस इज़ अ रियलिटी. तो सोचें कि यार हम टिकिंग टाइम बॉम्ब हैं, क्या कर रहे हैं हम अपनी ज़िंदगी के साथ. ये मेरी तरफ से वी आर आपको वो भी वाला भी मैंने भेजा था, वो रिचेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, जो मैंने एपी के सीईओ को बोला था. आई हैव बीन सेइंग दिस, मैंने पता नहीं ये कहाँ देखा है सुना है पढ़ा है, लेकिन आई हैव बीन सेइंग दिस फॉर इयर्स कि सबसे ज़्यादा आइडियाज़ ग्रेवयार्ड में होते हैं. क्योंकि जी वहाँ पे बहुत सारे वो आइडियाज़ होते हैं जो मटेरियलाइज नहीं हुए. बातें करने को तो बहुत है लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, अंकल एंड आंटीज, दोस्तों, बुजुर्गों, खवातीनों, हजरात, हजरात और खवातीन, मौसिन, सामी, नकारबीन, बारीकबीन, दूरबीन, तमाशबीन, मिस्टर बीन, लैलो और महीन, शबनम और नौशीन, शाजी और परवीन, सुगन और नौरीन, महताब और माजमीन, जमील हुसैन वो पीछे वाली चार या आगे वाली तीन, अस्सलाम वालेकुम. पैगाम मेरा सिर्फ इस वक्त ये है कि वर्ल्ड कप में अपनी टीम को आप सपोर्ट करो, तैयारियाँ पकड़ लो, सूट सिलवा लो, मिठाइयाँ मंगवा लो, क्योंकि वर्ल्ड कप हम जीत रहे हैं. वर्ल्ड कप यहाँ पे आ रहा है. प्यार मोहब्बत की जिंदगी गुजारने की बातें बिग बी ने कर दी हैं. मेरी तरफ से ये है कि तैयारियाँ पाड़ लो, वर्ल्ड कप हमारा है. Love you. Thank you so much. Pakistan, Zindabad. Thank you so much, Bilal. Thank you so much, Momin. You came to my show. You give time. Your schedule, obviously, it's very packed. And you guys have been running around. One hour slept my brother, bichara, raat ko. Main ek ghanta soya hu, phir bhi. But good luck to you all. And good luck to Pakistan. Inshallah. जीत लेकर आएंगे, वर्ल्ड कप लेकर आएंगे. बस दुआएं चाहिए. एंड कीप योर स्पिरिट्स हाई. वंस अगेन थैंक यू सो मच. थैंक यू. दोबारा मुलाकात होगी. थैंक यू सर.